आज न राधा प्रसन्न है न मुस्कुरा रही है, क्यों? आज तुम कितनी भी बांसुरी बजा लो कृष्ण, मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगी। किंतु क्यों राधा? जब मन में दुविधा हो तो प्रसन्नता की सुविधा कैसे मिल पाती है कृष्ण? आज तुम्हें मेरी दुविधा का समाधान देना ही होगा। ये सत्य जानने के लिए चाहे मुझे नर्क की पीड़ा ही क्यों ना सहनी पड़े, मुझे स्वीकार है। पर आज तुम्हें समझाना ही होगा, सिद्ध करना होगा कि कृष्ण के प्रति राधा का जो प्रेम है सर्वोपरि है, सबसे दिव्य है, ब्रह्मांड का आधार है, और बांसुरी के साथ सुर हमारे प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। सरल सी बात है राधा, इन सात सुरों को तुम अब तक समझ नहीं पाई हो। मैं समझाता राधा, ये सात सुर केवल सात सुर नहीं है, इनमें से एक सुर ब्रह्मांड के सप्त ऋषियों से आया है, दूसरा सुर पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग से आया है, तीसरा सुर पृथ्वी के नीचे नरक से आया है, चौथा सुर समुद्र से आया है, पांचवा सुर सात रंगों के इंद्रधनुष से आया है, छठवां सुर मेरे ही शरीर की कुंडलिनी से आया है, और सातवां सुर सबसे अंतिम सुर ये विनाशकारी है राधा। ये मेरे ही मस्तिष्क से आया है, शिव के त्रिनेत्र की भांति है ये। इसका वास्तविक उपयोग ना आज तक मैंने कभी किया है, सत्य कहूं तो ना कभी करना चाहता हूं मैं। अब तुम स्वयं समझ सकती हो कि ये सात सुर इतने महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि समस्त संसार में वास करता है राधा, इसलिए तुम तुलना कर रही हो इन सात सुरों की और हमारे प्रेम की। पर ये बात तुम समझ नहीं पा रही कि समस्त संसार का आधार उसका अस्तित्व ही प्रेम से, और ये प्रेम तुम हो राधा। ठीक है, यदि इनका अस्तित्व मुझसे है तो इनके सुर को, इनके वास्तविक रूप को मैं देखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कोई भी मूल्य देने को सज्ज। तुम्हें आज तक मैंने कभी मना नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। बस तुम जो मांग रही हो उसके लिए मुझे समाधि लेनी होगी राधा, अपने शरीर की कुंडलिनी में अर्थात मेरी आत्मा में जाकर सात चक्रों को जागृत करना होगा, इन सात सुरों का आवाहन मुझे करना होगा, और मैं करूंगा। बस एक बात स्मरण रहे, इस समाधि में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए राधा। यदि ये समाधि भंग होती है राधा, तो तुम इन सात सुरों का परिचय, इसकी परिभाषा भूल जाओगी, और इसका अर्थ ये है कि तुम अपने कृष्ण को भूल जाओगे राधा, अपने कृष्ण को भूल जाओगे राधा।